नमस्कार, लोबसिस किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम व्रत के लिए थालीपीठ बनाते हैं। इसके लिए हमने जो व्रत की भाजनी की है उसे ही एक बड़ी कटोरी लेंगे। अगर आपको भाजने के आटे की रेसिपी देखनी है तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आप वो रेसिपी देख सकेंगे। अब इस कटोरी में हमने एक बड़ी कटोरी भाजने का आटा लिया है, एक छोटी कटोरी मूंगफली बारीक करके ली है, लाल मिर्च पाउडर आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर, चीनी, बाद में अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, एक टेबलस्पून दही। अब ग्रेट किया हुआ एक आलू लेंगे। यहाँ हमने आलू के छिलके नहीं निकाले हैं, वैसे ही लिया है। स्वादानुसार नमक, कुछ लोग व्रत में सेंधा नमक ही खाते हैं तो आप इस सादे नमक की जगह सेंधा नमक भी ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर डो बना लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डो हमने कितना सख्त बनाया है। अब इसे तेल लगाकर 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 5 मिनट के बाद अगर आपको डो थोड़ा ड्राई लगे तो फिर से थोड़ा पानी लगाकर इसे सॉफ्ट बना सकते हैं। और अब थोड़ा तेल लगाकर मसल लेंगे। बाद में इसमें से थोड़ा हिस्सा लेकर उसका बॉल बनाकर भाजने का सूखा हुआ आटा है उसमें रोल करके थालीपीठ को बेल लेंगे। यहाँ थालीपीठ हमारा बेल के तैयार हो गया है। थालीपीठ थोड़े मोटे ही होते हैं इसलिए हमने यहाँ थालीपीठ थोड़ा मोटा ही बेला है, पतला नहीं बेला है। अब तवा गर्म होने के बाद इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तवे पर डालने के बाद साइड से थोड़ा तेल छोड़कर 2 से 3 मिनट होने देंगे। अब साइड चेंज करेंगे। अब ऊपर भी थोड़ा तेल लगा लेते हैं और साइड से भी थोड़ा तेल छोड़ेंगे। अब इसके साइड चेंज करके तवे पे थोड़ा होने देते हैं ताकि हमें जैसे शैलो फ्राई करना है या थालीपीठ को भुनना है वैसा वो प्रॉपर बन जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ थालीपीठ एकदम प्रॉपर शैलो फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के थालीपीठ भी शैलो फ्राई कर लेंगे। सब थालीपीठ बनके तैयार है। अब इसको हम दही के साथ सर्व करेंगे। यहाँ हमने दही में थोड़ी चीनी, नमक डालने के बाद ऊपर से एक छोटी बोर मिर्ची डाल के छौंक दिया है। आप भी ऐसे थालीपीठ बना के देखिए, खा के देखिए। धन्यवाद।